नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिनभर। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन में हम आपको दिखा रहे हैं कि अतिथि शिक्षक अब सरकार से आर पार की लड़ाई के लिए निकल पड़े हैं। अतिथि शिक्षक संघ महामना एक्सप्रेस से छतरपुर से रवाना हुए हैं। 24 तारीख शनिवार को भोपाल में पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक जुड़कर अपनी मांगों के संबंध में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसी सिलसिले में छतरपुर से भी बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक छतरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे और यहां से महामना एक्सप्रेस से वे भोपाल के लिए रवाना हुए। समान कार्य समान वेतन नियमितीकरण जैसे तमाम मांगों को लेकर वे आंदोलन के लिए भोपाल निकल पड़े हैं। इसके पहले भी उन्होंने ज्ञापन सौंप कर इस मामले में कार्यवाही की मांग की थी, लेकिन सरकार द्वारा इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया गया। बताया जा रहा है कि छतरपुर जिले से लगभग 1800 अतिथि शिक्षक भोपाल पहुंच रहे हैं। हम लोग सभी लोग एक साथ भोपाल के लिए रवाना हो रहे हैं। 24 तारीख और 25 तारीख को हमारा आंदोलन है। हम लोगों की एक ही मांग है मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि हम लोगों को एक साथ नियमित किया जाए और विभागीय परीक्षा कराई जाए, जिसके लिए हम हर जिले में ज्ञापन दे चुके हैं और मीडिया के माध्यम से सभी को जानकारी भी है। इसलिए हम लोग पूरी तरह एकजुट होकर इस बार पहले शाहजहानी पार्क में, उसके बाद फिर विधानसभा के घेराव की रणनीति बनी हुई है। इसके बाद 26 तारीख से विधानसभा का जो सत्र शुरू हो रहा है उसमें हम विधानसभा का भी घेराव करेंगे और विपक्ष भी हमारे साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहा है और सत्ता पक्ष पर दबाव बनाने के लिए हर तरह से सहयोग करेगा। 1200 के समथिंग लोग हैं जो यहाँ से जा रहे हैं। कुछ लोग खजुराहो राजनगर से ऑलरेडी बैठ चुके हैं। बेरोजगारों को रोजगार देने के उद्देश्य से रोजगार कार्यालय द्वारा समय समय पर मेले का आयोजन किया जाता है। शुक्रवार को रोजगार कार्यालय परिसर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बाहर की 9 कंपनियों ने भाग लिया। जानकारी के मुताबिक 250 से 300 बेरोजगारों ने इस रोजगार मेले में पंजीयन कराए हैं। रोजगार मेले में अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर रोजगार अधिकारी का कहना था कि पूरे मध्य प्रदेश में 20 से 28 के बीच में रोजगार मेले लगाए जाने थे, इसलिए विभाग को ही उतना समय नहीं मिल पाया कि वो प्रचार प्रसार कर सके। इस वजह से अभ्यर्थियों की संख्या इस बार कम है। इस मेले में 9 कंपनियां आई हैं, जिसमें सभी कंपनियां बाहर से आई हुई हैं और डिफरेंट फील्ड से हैं और अभी चूंकि चल रहा है तो अभी इंटरव्यूज फाइनल फिगर अभी हमारे पास नहीं आए हैं, तो फाइनल फिगर एक डेढ़ घंटे में मिल जाएगी। नहीं, ऐसा तो नहीं है, थोड़ा सा हम लोगों को भी टाइम कम था और एक जो प्लान था ये प्लान हम लोगों को फरवरी में टारगेट दिए गए थे। फरवरी में सभी जगह करना था तो एमपी में 20 तारीख से लेके 28 तारीख तक सभी जगह रोजगार मेले चल रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा कंपनी पहले की अपेक्षा एक दो कंपनी कम आई है। तो खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।